हर्पिस नामक इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मुंह या जननांगों में या उसके आसपास घाव या फफोले होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही कुछ अन्य लक्षण जैसे दर्द, खुजली, लिम्स नोड्स में सूजन, बुखार, थकान व अस्वस्थ महसूस करना, ये चीज़ें भी देखी जाती है। ऐसी कंडीशन में खाने में परहेज की आवश्यकता होती है एवं अपने आहार में चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बीमारी के लक्षण को रोका जा सकता है। हर्पिस के दौरान रोगी को फफोले वाली जगह पर दर्द, थकान, बुखार और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हर्पिस के दौरान खाने में शामिल करें ये आहार। हर्पिस के दौरान कोशिश करें कि खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। इस दौरान आप नाश्ते में चिकन, पनीर व सैंडविच ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में चावल व रात के भोजन में मोटे अनाज की रोटी के साथ सोया करी ले सकते हैं। विटामिन सी भी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, इसलिए आप नींबू, संतरा, मौसमी, हरी पत्तेदार सब्जियां व टमाटर आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप विटामिन ए के स्रोत जैसे गाजर, पपीता, कद्दू व शकरकंद आदि को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हर्पिस में हमें क्या खाना चाहिए और किन किन परहेज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।